वाड़ी वर्धामना में पार्किंग में खड़े ट्रक से डीजल व नकदी पैसे उड़ाने वाले गिरोह सक्रिय। वाड़ी वर्धामना ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, यहाँ पर देश भर से ट्रक चालक आते हैं। रात होने पर ट्रक में ही सो जाते हैं, लेकिन ट्रक चालक लुटेरे गिरोह का शिकार हो रहे हैं। वर्धामना में शुक्रवार की सुबह 4 बजे के दौरान एक ट्रक चालक को नशे का स्प्रे मारकर बेहोश कर चालक को 24,000 रुपए से लूटा गया। यह सनसनीखेज घटना घटी है, जिसके कारण चालकों में दहशत का माहौल पैदा हुआ है। वाड़ी व वर्धामना में ट्रांसपोर्ट हब में हजारों गोडाउन है, बाहर से सैकड़ों ट्रक आवागमन करते हैं। अनेक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी है, लेकिन ड्राइवर और ट्रक सुरक्षित नहीं है। शुक्रवार की सुबह करीब 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच वर्धामना अमरावती रोड स्थित ओम रोड कैरियर सामने पार्किंग किए 2 ट्रक से चोरों ने 24,000 रुपए नगद पर हाथ साफ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक WB23C5567 व WB23C5585, ये दोनों ट्रक गुरुवार की रात अमरावती रोड वर्धामना स्थित ओम रोड कैरियर के सामने पार्किंग में रात में 10 बजे ट्रक खड़ी करके चालक ट्रक में खाना खाने के बाद करीब रात 12 बजे के दौरान दोनों ट्रक के ड्राइवर अपनी अपनी ट्रक के करीब कैबिन में सो गए। करीब रात 2 से 4 के बीच अज्ञात चोरों ने ट्रक के सामने के ग्लास को काट कर अंदर घुसे। चोरों ने नशे वाले स्प्रे को ड्राइवर के नाक पे सामने मार दिया और ड्राइवर बेहोश हो गए। वैसे ही बेहोशी का फायदा उठाकर चोरों ने एक ट्रक से 17,000 नगद, दूसरे ट्रक से 8,000 रुपए नगद, कुल मिलाकर 25,000 रुपए पर हाथ साफ किया है व भाग गए। चालक की नींद खुलने के बाद पैसे की चोरी होने की बात सामने आई, इसकी जानकारी वाड़ी पुलिस को दी गई है। यह कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक लुटेरे गैंग लगी नहीं, जिस कारण चोरों का हौसला बुलंद है। लुटेरे डीजल बैटरी स्टेपनी कुछ माल तरपाल और नकदी रुपए लूट कर ले जा चुके हैं। चोरी करते समय यदि चालक नींद से उड़ गया उसे जान का खतरा भी होता है। चोर चाकू पत्थर लेटी जैसे वस्तु से प्रहार करके ड्राइवर को लहूलुहान कर वहां से फरार होने की जानकारी एक चालक ने दी है। सभी ट्रांसपोर्टर एक होकर जॉइंट एक्शन कमेटी अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल, भाईचारा राजमार्ग परिवहन के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में वाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक राजेंद्र पाठक से मुलाकात कर निवेदन सौंपा। इस संदर्भ में PI राजेंद्र पाठक ने कहा, रात में 3 राउंड पुलिस का गश्त रहता है, लेकिन वाड़ी क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसे ज्यादा गश्त नहीं लगा सके। रात में पुलिस कर्मचारी की कमी होती है। पाठक ने कहा, सभी ट्रांसपोर्टरों ने अपने अपने कार्यालय के सामने CCTV लगाना चाहिए, साथ ही में सिक्योरिटी गार्ड भी पार्किंग में तैनात करना चाहिए। ऐसे करने से चोरी की वारदात नहीं होगी, ड्राइवर और ट्रक भी सही सलामत रहेगा। हम भी रात में गश्त बढ़ाने का प्रयास करेंगे और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास करेंगे। मैं करीब 2 और 4 के बीच में हमारे ऑफिस के सामने में ओम रोड कैरियर जो यहाँ पे 2 गाड़ी 4 गाड़ी हरदम खड़ी रहती हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पे विगत चोरियाँ हो रही हैं। कल रात में गाड़ियों से 1 गाड़ी से 18,000 रुपये, 1 गाड़ी से 7,000 रुपये रात में चोरों ने बिंदास चोरी किए और चोरी करके ड्राइवरों से मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन चोरी करके पैसे ले गए। फिर हमने सुबह पुलिस को सूचना दिया, सूचना के आधार पर पुलिस आई यहाँ पे, इंटीमेशन देखे और उन्होंने देखे भी गाड़ी कांच कटे हैं। ड्राइवर कंडक्टर जब गुहार पुकार रहे थे कोई मदद करने वाला मेरा नहीं है, तो हमने पुलिस को सूचना देके बुलाया। अब पुलिस का कहना ऐसा है कि आज मेरे पास में बंदोबस्त के लिए पर्याप्त सिपाही नहीं है, पर्याप्त पुलिस दल नहीं है। तो हम DCP साहब से CP साहब से मांग करते हैं नागपुर ज़िले से कि यहाँ पे सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के गृहमंत्री भी नागपुर ज़िले के हैं, पालक मंत्री से निवेदन करते हैं कि आप वाड़ी के लिए इतना हब बन गया, ट्रांसपोर्ट डिवीज़न वर्धामना में आ चुका है, तो कम से कम एक चौकी बनाई जाए और चौकी के माध्यम से पुलिस व्यवस्था बढ़ाई जाए कि 2 और 4 के बीच जो घटनाएँ घटती हैं, डीजल चोरी होती है, ड्राइवरों को भी मारपीट होती है, ड्राइवर को मार डालने की संभावनाएँ रहती हैं। तो इस तरह से हम सरकार से मांग करते हैं, नागपुर शहर से मांग करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया जाए, वाड़ी वालों वर्धामना वालों की सेफ्टी हो जाए, जिससे उनके जान माल की सुरक्षा रखी जाए और की जाए। ये जो 2 गाड़ी में पैसे चोरी हुए हैं WB23C5567, इसमें 18,000 रुपये निकाले गए हैं। इस तरह से वारदात न हो ऐसा हम पुलिस कमिश्नर साहब से मांग करते हैं और वाड़ी थाना प्रभारी से भी मांग करते हैं कि अपने माध्यम से आप लिख के दें कि हमारे यहाँ पे पुलिस व्यवस्था बढ़ाई जाए। अभी हम निवेदन देने जा रहे हैं वाड़ी पुलिस स्टेशन को और निवेदन देकर पूरी बात हम पत्रकार भाइयों को भी अवगत कराएंगे, बताएंगे इस विषय पे। हमारी ऐसी मांग है, ऐसी सोच है। ट्रांसपोर्टर वाड़ी पोस्टे आदीतील आहेत, त्यांच्या इथे बाहेरून येणारे ट्रक उभे राहतात आणि ट्रकमध्ये ड्रायव्हर झोपतात आणि कधीकधी कोणातरी ड्रायव्हरच्या खिशातले पैसे ट्रकची काच फोडून काढून
त्या अनुषंगाने चोरी झाल्याचे प्रकार एक दोन घडलेले आहेत. त्या अनुषंगाने माझं सगळे ट्रान्सपोर्टर आणि जे गाड्या पार करतात ते ड्रायव्हर या सर्वांना विनंती वजा आवाहन आहे की त्यांनी रात्री झोपताना आपल्याजवळचे पैसे, मूल्यवान वस्तू किंवा मोबाईल वगैरे ट्रान्सपोर्टरच्या ऑफिसमध्ये ठेवलं तर ते सेफ आणि सिक्युअर्ड राहील. आणि त्या अनुषंगाने आणखीन माझी दुसरी विनंती आहे की सर्व ट्रान्सपोर्टरनी आपल्या ट्रान्सपोर्ट ऑफिसच्या पुढे मागे कॅमेरे बसवावेत. कॅमेरे बसवल्यामुळे त्या ठिकाणी कोणी येऊन चोरी करतं वगैरे काय करतं ह्या गोष्टी कॅमेऱ्यात कैद होतील आणि आपल्याला तपासाला अधिक चांगली दिशा मिळेल. आणि शक्य होत असेल तर त्यांनी आपल्या दोन चार ट्रान्सपोर्टर मिळून ते एखादा सिक्युरिटी गार्ड जर असला तर त्यामुळे ह्या घटना न घडण्याला पूरक वातावरण तयार होईल. पोलीस म्हणून आम्ही त्यांच्या ह्या सेवेला बांधील आहोतच. आमची गस्त चालू असते तरी पण मी आमच्या स्टाफला सगळ्यांना सूचना दिलेली आहे की परिणामकारक गस्त अधिक व्हायला पाहिजे आणि अशा ट्रक जे उभ्या असतात त्या ट्रकच्या माध्यमातून जाता येताना आपलं हॉर्न वाजवणे किंवा कोणी असं संशयित वाटला तर त्याची चौकशी करणे ह्या गोष्टी व्हायला पाहिजेत. आमच्या परीने आम्ही प्रयत्न करूच पण आम्हाला ट्रान्सपोर्टर मंडळींनी पण सहकार्य करावं आणि त्यांनीसुद्धा जर थोडीशी काळजी घेतली तर या घटना ज्या घडत आहेत त्या घडणं बंद होईल आणि वातावरण चांगलं होईल असं मला वाटतं. NBCN के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट.